इसलिए मैं यहाँ। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आपसे आपसे मेरी पहले बात हुई है? नहीं। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मेरठ से बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या सवाल है, पूछिए आपको। मेरे पिगमेंटेशन है। अच्छा, और थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा अपर लिप्स में, ये 2 साल से है करीबन, लेकिन अच्छा। लास्ट ईयर ये बिल्कुल चला गया था अपने आप से ही, मतलब अच्छा। बिल्कुल गायब। तो आपको लगता है आपने कुछ किया था जो चला गया, आपको लगता है? नहीं, विंटर्स में चला गया था और अच्छा। 3 महीने से वापस, और पता नहीं किया था या अपने आप से ही चला गया था शायद। मैंने थोड़ा ग्रीन टी लेना शुरू किया था। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा लेमन वाटर डिटॉक्स, सब ये सब चीजें बस। अच्छा, तो पहले से बढ़ गया है या उतना ही आया वापस? आया उतना ही है, लेकिन जब धूप में जाते हैं तो थोड़ा दिखता है, देखिए। अच्छा, दिख गया दिख गया। तो आपने, आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं? ये बहुत ही गंदा लगता है। घबराओ मत, मेरे पता कैसे था, मेरे पूरा यूं था। ये पुरानी फोटो देखना कभी। हाँ, मैंने वीडियो में देखा, तो मेरा जैसे मैंने कुछ दिनों से फ्लैक्स सीड्स लेना शुरू किया, लेकिन मेरे एक दो पिंपल्स आ रहे हैं। अच्छा। अब हाँ, मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया क्योंकि गर्मियाँ हैं, और रोस्ट करके उसे ग्राइंड कर लिया, और मैं पानी के साथ उसे ले रही हूँ। अच्छा, तो आपने मेरी वीडियो कब से देखना शुरू किया है, कौन सी चीजें फॉलो करी है बताएं, फ्लैक्स सीड के अलावा? मैंने मल्टीविटामिंस और एक्सरसाइज मैं हमेशा से ही करती हूँ। अच्छा, कैसे एक्सरसाइज करते हो? कैसे करते हो? एक्सरसाइज घर पे, क्योंकि अभी जिम तो बंद है लॉकडाउन। नहीं, घर पे क्या योगा करते हो या कार्डियो करते हो? योगा करती हूँ और थोड़ा बहुत कार्डियो करती हूँ, और अच्छा। बाकी घर का थोड़ा बहुत काम और वॉक। अच्छा, सोसाइटी में वॉक। कितना कितना फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, 1 घंटा हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप डाइट में मेरी कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आप डाइट में फॉलो कर रहे हो? जैसे वेजिटेबल्स अभी मैंने लेना शुरू किया, दही मैं लेती हूँ, अभी मैंने सिनेमन पाउडर नहीं लेना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं घर का ही सिनेमन पाउडर ग्राइंड कर लूँ या बाहर से पाउडर जो आता है वो खरीदूँ। घर में आपने पौधा लगा रखा सिनेमन पाउडर? नहीं, सिनेमन रहता ना जैसे दालचीनी। देखिए, सिनेमन पाउडर जैसे मर्जी ले लो, चाहे वो साबुत आता है उसको आप ग्राइंड कर लो घर पे, चाहे पाउडर फॉर्म में ले आओ, कोई चक्कर नहीं। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है ना, आपको ना एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट का मतलब एक पौधा है, ठीक है, उस पौधे को अच्छा अच्छे से फलने फूलने के लिए सूरज की रोशनी भी बैलेंस रूप से चाहिए, पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, उसकी लोकेशन भी अच्छी होनी, तभी वो एक पौधा अच्छे से फलता फूलता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी डाइट में हर चीज चाहिए। अब मैं हमेशा फोकस करता हूँ लंच और डिनर में ना ढेर सारा सलाद ऐड करा करें आप। ढेर सारा सलाद जब ऐड करोगे तो रोटी चावल अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं ना, सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो आपके एरिया में मिलते हैं, रीजनल फ्रूट्स होते हैं, 2-3 फ्रूट्स वो खाया करो। खूब सारा पानी पिया करो। कोशिश करो कि घर का खाना सरसों के तेल में बनाओ, ठीक है। आपको पूरे दिन में 1 चम्मच सिनेमन पाउडर लेना। आप एक बार में एक चुटकी ले लो या आधा चम्मच ले लो, जैसे मर्जी ले लो। आप ओट्स में डाल लो, स्मूदी में डाल लो, दही में डाल लो, आप चाय में डाल लो, जैसे मर्जी आपने ले लो। 2 छोटे चम्मच आपको फ्लैक्स सीड चाहिए, ठीक है। और जो ओवरऑल डाइट है ना, एक ओवरऑल डाइट में ना आपका हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी डाइट में ना हाई प्रोटीन होना, जैसे आपको मान लो आपका 60 केजी वेट है, तो एटलीस्ट आप 60-70 ग्राम मिनिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए। आप दही में चला जाएगा, छाछ में चला जाएगा, आपको कई सारे सोर्सेज हैं, सोया आता है, पनीर आता है, आप अंडे अगर खाते नॉन वेज खाती हैं तो उसमें भी काफी सारी ऑप्शंस आती हैं। तो ओवरऑल हाई प्रोटीन डाइट जिसमें आपको खूब सारे वेजिटेबल सैलेड्स हों, कभी ग्रीन पत्तेदार सब्जियां आती है ना, उसको थोड़ा सा स्टीम करके कभी वो ले लिया, तो आप चेंज कर करके करते रहें, पर सलाद लेना ही लेना हर हालत में। और वर्कआउट तो आप कर ही रहे हैं, और ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बस ये बात याद रखना, रेगुलर रहना है। ओवरनाइट रिजल्ट आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। हाँ, आप पूछो क्या सवाल। अगर एक बार चला गया तो फिर से वापस आ जाएगा? अगर हार्मोन्स, मुझे लगता है कि मेरा मेन जो है वो हार्मोन्स की वजह से है, जैसे हार्मोन्स इंबैलेंस होता है तो शायद आ जाता है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें ना हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मेरी मुंबई के एक फॉलोअर है मुस्कान, उनको हार्मोन इंबैलेंस था, पिंपल्स थे, पिगमेंटेशन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्कआउट अच्छा करना शुरू कर दिया, ठीक है। वर्कआउट का मतलब क्या, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। योगा तो आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो आपको इंटरनली स्ट्रांग करता है, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत मायने रखती है।
आप लंच डिनर के बाद 20-20 मिनट वॉक करें, है ना, वैसे कार्डियो करें, स्किपिंग कर सकते हैं घर पे आप, तो फिजिकल एक्टिविटी माइंड रखती है। जब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, तो आपके हॉर्मोन्स भी अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये हेल्दी रहने की। अगर आपको कहीं कमी पेशी लगती है कि मान लो आपकी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, एक स्कूप लेना आपको दिन में, चाहे प्लांट प्रोटीन ले लो, वे प्रोटीन ले लो। अगर ओमेगा 3 की कमी है तो फिश ऑयल ले लो, या फिर आप मल्टी विटामिंस ले लो, मिनरल्स ले लो। और सवाल बताओ आपको? बस यह है कि इतना ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना स्ट्रेस लोगे ना, उससे फर्क पड़ेगा, उससे और बढ़ेगा आपका, ठीक है। खुश रहो, डाइट फॉलो करते रहो, और टाइम लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर, ठीक है जी। चलो अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रिया से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन।